रतलाम से कांग्रेस सांसद कांतिलाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने रतलाम में कोई भी विकास नहीं किया है और ना ही किसी को रोजगार मुहैया करवाया है। देखिए मध्य प्रदेश के रतलाम से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे की कांतिलाल भूरिया से खास बातचीत। बीजेपी का कहना है कि बीएसपी यानी कि बिजली सड़क पानी ये मुद्दा नहीं है, राज्य ने ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। बीजेपी ने यहाँ पर बिजली पानी की भयंकर समस्या, बिजली आने रही पर बिजली का बिल मैंने आ रहा है, बिजली का बिल निपटा उनको जेल भेजे उन्होंने, और रोजगार है नहीं, बेरोजगार की मैंने यहाँ पे मैंने लाइन लगी हुई है, स्कूलों में टीचर नहीं, अतिथि शिक्षक से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, तो ये समस्या भयंकर है। 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी का अभी भी काफ़ी लोगों से उनकी याद है, इंदिरा माई इनफैक्ट अक्सर जब यहाँ जब भी पॉलिटिकल रैली भी होती है उनके नाम से शुरू किया जाता है, तो कांग्रेस का पुराना उसे टच करना चाह रही है ताकि पुरानी यादें याद दिलाएं। बिल्कुल, यहाँ के हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आज भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, कई आदिवासी भाई इंदिरा माता के नाम से जानते हैं, उसी तरह से राजीव गांधी ने भी जो काम किया आज कर रहे हैं, जो जितना भी काम यह कांग्रेस का किया दिख रहा, बीजेपी का 15 साल में एक भी काम नहीं है। सड़कें कांग्रेस की बनी हुई है, स्कूल हॉस्टल आश्रम कांग्रेस की है, आपके जितने भी बिजली कांग्रेस ने दी है, उन्होंने तो बिल्कुल बिजली का बिल देने का ही काम किया पर आम आदमी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, वो चीज़ आप आम आदिवासी समझ रहा है। कुछ ऑब्वियसली दोनों तरफ बीजेपी एंड कांग्रेस की तरफ रेबल्स हैं, असंतुष्ट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली भी जो है दो दो सीट पे लड़ रही है, उसको लेके कुछ लोग जो है निराश है, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपके पूरे कांग्रेस के उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कांग्रेस में फैमिली तब जोबर जिले से अलीराजपुर जिले से कलावती है, वो डिस्ट्रिक्ट अलग है, झाबुआ में हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है विक्रांत भूरिया, अब शुरू से लेकर पहली बार भूरिया को टिकट मिली है यहाँ पर, पहली बार 25-40 साल बाद पहली बार मिली, तो ये तो एक गुमराह कर रहे हैं, और भाजपा एक भोपाल से रिटायर अधिकारी को लाके खड़ा कर दिया और उसको यहाँ का बना झाबा के बारे में कोई जानता ही नहीं है। कांग्रेस का कहना है और जो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम जो है कर्जा माफ कर देंगे, इनफैक्ट कर्नाटक के भी विधायक यहाँ लाए गए थे दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वाकई हमने कर्नाटक में भी किया है, ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस चुनाव में ये प्रॉमिस जो है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में हमने एक घोषणा पत्र बना के दिया, वचन पत्र, उस वचन पत्र में कांग्रेस जो कहती वो करती है, और ये आपके हिसाब से गेम चेंजर रहेगा? बिल्कुल, हमारा ये पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आम आदमी तक ये खबर पहुंच गई है कि राहुल जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद 28 को चुनाव होगा, 11 को मतगणना होगा और 20 तारीख के बीच, 11 से 20 के बीच में सरकार बन के और हमारा कर्जा माफ, बिजली बिल सारा माफ, हमारा बैंक कॉपरेटिव बैंक सोसाइटी भूमि विकास बैंक और स्टेट बैंक का कर्जा सब माफ, 2 लाख हर किसान का। चलिए, जैसे उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर रहेगा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का मानना यही है कि जो जैसे का सरकार अगर कांग्रेस की चुन के आती है तो कांग्रेस का ये वायदा है कि 10 दिन के अंदर जो है किसानों का लोन माफ़ किया जाएगा, बाकी चीज़ें जो है वो माफ़ की जाएंगी। क्या जनता इस नारे को सुन के ये लुभा पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। झबुआ से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।